ये सब तुम जैसे महान लहू की साजिश है। बेचारा तीन दिन हो गए लेकिन अपनी हद तक आज तक नहीं बुला पाया। किसने कहा था इसने? आज तक मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसे दौलत, शोहरत या तहाइफ इन सब चीजों का लालच ना हो। ऐसी बोला तेरा। कैसे दोस्तों यार तुम लोग, हमदर्दी करने के बजाय मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। नमक नहीं छिड़क रही है, तुझे पूरी तरह दफन कर रहे उसके अंदर। कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं कॉलेज में, सबके सामने मेरी नाक काट दी उसने। ओहो, ये तो बहुत मसला हो गया भाई, अच्छी खासी नाक थी इसकी, हाल बता अगर जबान की ट्रिमिंग हो जाती तो। हंसो और जोर से हंसो, क्यों नहीं हंसते? हंसने और बातें बनाने के अलावा तुम लोगों को आता ही क्या है? एक का हमारा था, हम लोगों को पूछेगा नहीं क्या? ये शायद इसलिए कि तुम किसी और की मदद लिए बगैर ये लड़ाई खुद ही अकेले लड़ना चाहते हो। तू सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो तू मेरी मदद क्यों नहीं करता? मैं चलो मेरी मदद ना सही, आशा की मदद तो ले सकते हो ना। अबे ओल्ड लहू, ये कोई मिड टर्म एग्जाम चल रहा है जिसमें मुझे कोचिंग की जरूरत पड़े। कोच ना सही लेकिन वो हरीम को अप्रोच तो कर सकती है ना। और वैसे भी तुम शायद एक बात जानते नहीं, नताशा और हरीम एक दूसरे की बचपन की बहुत ही पुरानी सहेलियां हैं। ये तू क्या कह रहा है? जी, और पिछले चार एपिसोड से मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों है सब अली कमान मैं सबको समझा लूं यार, मगर तुम्हारा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम हरीम के सबसे ज्यादा करीब हो, तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा कि मैं तो बहुत इंसान नहीं हूं। तुम्हें उसे मुझसे दोस्ती करने पर मजबूर करना होगा। तुम करोगी ना मेरे लिए? आशा, तुम मेरी बात सुन रही हो? थैंक यू। क्या तुम ये सब इसलिए करो ना कि तुम्हें हरीम से प्यार है। ऑफ कोर्स यार, हाँ
जी आइए। आपने मुझे बुलाया था सर। बैठोगी नहीं? मुझे कहना है कह दीजिए ताकि मैं बाहर जाके अपना काम खत्म कर सकूं। क्योंकि ठीक 5:30 बजे रियाज तुम्हें लेने आ जाते हैं। रियाज मेरा मंगेतर है, उसके साथ जाना मेरा जाती मसला है। मुझे तुम्हारी कारकर्दगी के ऊपर रिपोर्ट करनी है आयशा, और अगर तुम्हारा रवैया यही है नाजायज बात है, मेरा रवैया आपको ऐसा ही मिलेगा। शोएब साहब आप मेरे पास हैं, बात नहीं। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं? जो बात आप सुनना चाहते हैं वो तो करने की बिल्कुल नहीं। मैं जो चाहूँ लिखिए, मगर डरिए इस बात से जब सब जान जाएंगे कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। फीसद माल अप्रूव होने का मंजूर होने के बाद बाकी का माल थी 3 महीने के अंदर। हम क्या हुआ? करोड़ों की जायदाद, इतना बड़ा बिजनेस, दिन रात की मुशक्कत, ये सब किसके लिए है जी? आदर की पढ़ाई खत्म होने में 2.5 महीने तो रह गए हैं, आखिर आप उसे बता क्यों नहीं देते? अभी तो फिर हम एक शहर में रहते, पढ़ाई खत्म होने के बाद तो शायद वो इस मुल्क में भी ना रहे। अगर कहें तो मैं बात करूं? कोई फायदा नहीं, बहुत जिद्दी है वो, शायद उसकी रगों में मुझसे ज्यादा अपनी मां का खून दौड़ता है। आपने भी तो अपने होठों पे चुप की मोहर लगा रखी है, उसे आप बताते क्यों नहीं गए? अस्सलाम वालेकुम भैया साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भैया साहब? बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? अल्लाह का बड़ा करम, बैठो। थैंक यू रफीक, पूरे 2 हफ्ते होने को आए कि तुम इस शहर में आए हो और हमारी याद आ जाइए, लगता है बड़े आदमी हो गए हो। भैया साहब ऐसी बात नहीं है, जॉइनिंग के बाद कुछ ऐसे मसाइल आए कि बस आ नहीं सका, लेकिन आज लंच करके जाऊं। मैं गलत वक्त पे तो नहीं आ गया? नहीं, कैसी बातें करते हो बलमुंशी जी। आज मैं और रफी बाहर खाना खाएंगे। ठीक है जी, मैं रिजर्व कर मतलब बुकिंग मैं करता हूँ जी। कुछ बीस मिनट हो गए थे क्या? 15 मिनट हुए जी। ठीक मारा है जी आपने। इंतजार मोहब्बत का नसीब है, मगर कभी कभी जिंदा रहने के लिए उम्मीद से बढ़कर किसी चीज की जरूरत महसूस होती है। अगर जाने क्यों, से भी इकरार करते हुए अनजाना सा खौफ महसूस होता है।
एक मिनट, एक मिनट, अंदर तो आने दे यार। शायद तू ये भूल रहा है, ये मेरा कमरा है। बॉडी को देख के लगता है किसी बच्चे का कमरा। तो तू अंदर क्यों आ रहा है? अच्छा यार, मैं अंदर नहीं आता, मगर वादा तो कर। किस बात का? अरे इनको मेरी मुट्ठी मिलाने का वादा। क्या? हेलो हरी। हेलो। आज कॉलेज में कितना सुकून है ना? आदम को तो ये कॉलेज बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। क्या आदिल ने कॉलेज छोड़ दिया? सुनने में तो यही आ रहा है। और वैसे भी जोश ने तुमने उसके साथ किया, उसके बाद तो वो यहाँ कर करने से रहा। हीरा लड़का था आदिल, पूरे कॉलेज की जान था। उसके बगैर तो हर महफिल सुनी है। अच्छा, मगर आजकल वो है कहाँ? सुना है किसी के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार है, और बोल रहा है कि उसको घास तक नहीं डालती। माना कि आदिल घास नहीं खाता, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है? कुछ चीजों की कदर में खोने के बाद ही होती है, शायद इसे भी हो। हाँ, काश जिंदगी खुशी और प्यार हमेशा किसी का इंतजार कर सके। शायद वो बेचारा उम्मीद की रसूली अबे फीटर लिखा है। अच्छा, उम्मीद की सूली पर हमेशा लटका रहेगा बेचारा आदिल अयाज। फोन नंबर 03011448709।